जब भी कोई सिनेमाई पर्दे की तरफ रुख करता है तो उसकी एक ही तमन्ना होती है कि जब उसका जादू छाए तो कोई बच ना पाए। इसी उम्मीद के साथ इस खूबसूरत अदाकारा ने भी फिल्मी दुनिया की ओर कदम बढ़ाया था। पहले ही कदम पर साथ मिला हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का। कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग, और फिल्म भी हिट हो गई। हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं उनका नाम है सिंपल कपाड़िया, जो सुपरस्टार डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन थी। अस्सी और नब्बे के दशक में सिंपल कपाड़िया हिंदी फिल्मों में सक्रिय थीं और वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह शोहरत की बुलंदियों को छूना चाहती थीं। रब ने मुझे जिस रूप में बनाया, रूप वो दिखाने को दिल करता है। लेकिन किस्मत ऐसी बेरहम कि जैसे ही सफलता मिलनी शुरू हुई मौत ने इन्हें अपने आगोश में ले लिया। आज शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो इन्हें जानते होंगे, पर 80 के दशक में फिल्मों के दीवाने रहे लोग आज भी इनकी खूबसूरती की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को दिल करता है, ये प्यार आते ही सही जल जाने को दिल करता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल कपाड़िया के फिल्मी सफर और निजी जीवन की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। दुबई में के तू जाऊ न को, दुबई में के तू जाऊ न को, बदमाला छोड़ू तू जाऊ न को। सिंपल कपाड़िया का जन्म 15 अगस्त 1958 को मुंबई में एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता चुन्नीलाल भाई कपाड़िया एक बड़े बिजनेसमैन थे। इनकी मां का नाम बैटी था। इनके परिवार में सिंपल की दो बहनें डिंपल और रीम कपाड़िया और एक भाई सोहेल था। जहां एक तरफ डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रह चुकी हैं, वहीं रीम कपाड़िया कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। लेकिन महज 24 साल की उम्र में रीम कपाड़िया का ड्रग ओवरडोज की वजह से निधन हो गया था, और इनका भाई सोहेल भी अब इस दुनिया में नहीं है। इनके पिता का फिल्मी हस्तियों के साथ उठना बैठना था, जिनमें शोमैन राज कपूर जैसे लोग भी शामिल थे। बचपन से ही सिंपल ने फिल्मी माहौल देखा था। उनकी बड़ी बहन डिंपल कपाड़िया मात्र 16 साल की उम्र में ही बॉबी फिल्म के जरिए सुपरस्टार बन चुकी थीं। उस समय सिंपल काफ़ी छोटी थीं। सिंपल का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वो भी फिल्मों में काम करना चाहती थीं और अपनी बड़ी बहन की तरह बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती थीं। जब उनके जीजा राजेश खन्ना को ये बात पता चली कि उनकी साली हीरोइन बनना चाहती है, तो राजेश खन्ना तुरंत अपने दोस्त और बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर शक्ति सामंत के पास गए और बोले कि आप एक फिल्म अनाउंस कीजिए जिसमें हीरो होगा राजेश खन्ना और हीरोइन होगी सिंपल कपाड़िया। शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की जोड़ी पहले ही तमाम हिट फिल्मों की लाइन लगा चुकी थी, जिनमें आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी फिल्में शामिल थीं। शक्ति सामंत भला राजेश खन्ना की बात कैसे टालते। फिल्म बनना शुरू हो गई और रिलीज़ हुई। फिल्म का नाम था अनुरोध। इस तरह से सिंपल कपाड़िया ने फिल्मों में डेब्यू किया। आपके अनुरोध
फिल्म हिट रही, लेकिन फिल्म की सफलता में सिंपल को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने शाका और चक्रव्यूह जैसी फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद कुछ और फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में उनके रोल सेकेंडरी ही रहे। इन फिल्मों में लूटमार, जमाने को दिखाना है, रह गुजर, जीवनधारा और दूल्हा बिकता है जैसी फिल्में शामिल रहीं। क्या कहूं? उन्होंने कुछ फिल्मों में कैमियो रोल भी किए, जहां एक ओर उनकी बहन डिंपल तो दिनों दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, वहीं दूसरी ओर सिंपल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थीं। लेकिन लगभग 10 साल के एक्टिंग करियर में लगातार जद्दोजहद के बाद भी सिंपल कपाड़िया अपनी बहन डिंपल कपाड़िया जैसी शोहरत नहीं बटोर पाई। सिंपल को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि बतौर हीरोइन वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। इसलिए सिंपल ने फैसला किया कि वो कैमरे के पीछे रहकर काम करेंगी। इसी दौरान सिंपल कपाड़िया की कई स्टार्स के साथ अफेयर की खबरें भी सामने आईं, जिनमें निर्माता टुटू शर्मा, एक्टर शेखर सुमन और विलेन रंजीत का नाम शामिल था। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सिंपल ने मनोज कायती से शादी भी की थी। खैर, फिल्मों में तो सिंपल अपना जादू नहीं चला पाई, लेकिन बड़ी बहन डिंपल के बलबूते वो सनी देओल की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन गई, जो उस वक्त बॉलीवुड के सुपरस्टार होने के साथ साथ डिंपल कपाड़िया के साथ रिलेशनशिप में भी थे। सिंपल ने रुदाली, रोक सको तो रोक लो और शहीद जैसी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की। रुदाली फिल्म के लिए सिंपल को कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। सिंपल कपाड़िया ने तब्बू, प्रियंका चोपड़ा और श्रीदेवी जैसी हीरोइनों के लिए कपड़े डिज़ाइन किए। एक डिज़ाइनर के तौर पर सिंपल का करियर चमक गया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिंपल कपाड़िया ने साल 1992 में सरदार राजेंद्र सिंह शेट्टी से शादी कर ली। सिंपल को एक बेटा हुआ जिसका नाम करण कपाड़िया है, पर दुर्भाग्यवश ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। लेकिन सिंपल बेटे की परवरिश करते हुए फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती रहीं। साल 2006 में उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन उस वक्त करण काफ़ी छोटे थे और सिंपल काम करना नहीं छोड़ना चाहती थी। वो काम करती रहीं और साल 2009 में सिंपल कपाड़िया ने कैंसर से लड़ते हुए आखिरी सांस ली। 3 साल तक लंबे इलाज के बाद उनका देहांत हो गया। उस वक्त वो महज 51 साल की थीं। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई स्टार्स ने शिरकत की, लेकिन उनकी बहन के पति राजेश खन्ना कहीं नज़र नहीं आए थे। एक्टिंग के लिए अपने पैशन के बारे में बात करते हुए सिंपल ने एक बार कहा था, मैं केवल एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक सीमा से अधिक परेशान नहीं किया जा सकता। इसके बजाय मैं शादी कर सकती हूँ और घर बसा सकती हूँ। और सिंपल ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब उन्हें लगा कि फिल्मी पर्दा उनके लिए नहीं बना है, तो वो पर्दे के पीछे चली गईं और अपना काम करती रहीं। सिंपल की मौत के बाद उनके बेटे करण को डिंपल ने अपने पास रखा। करण भी आजकल फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। हालांकि सिंपल कपाड़िया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जितना भी वक्त उन्होंने हिंदी सिनेमा को दिया, लोगों के दिलों में उनकी खूबसूरत यादें आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। सिंपल कपाड़िया के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।